हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस सुंदर से पौधे के बारे में जानकारी देंगे। यह पौधा 10 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, जो एक पेड़ बनता है और इस पेड़ को हिंदू तथा बौद्ध धर्मों में एक पवित्र पेड़ माना गया है। इसके फूल क्रीम से लेकर पीले नारंगी या सुनहरे रंग के होते हैं और बहुत ही ज्यादा सुगंध युक्त होते हैं। इस पेड़ को बगीचों में इसकी सुगंध के लिए भी लगाया जाता है। परंपरागत रूप से इस पेड़ का उपयोग सुगंधित तेल बनाने तथा इत्र बनाने में किया जाता है। यह पेड़ एशिया का मूल निवासी है और इसे ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बगीचों में लगाया जाता है। इस पेड़ को पूर्ण सूर्य तथा नियमित पानी की आवश्यकता होती है। इसकी लकड़ी एक मूल्यवान लकड़ी होती है, इसको फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों का उपयोग मंदिरों में पूजा के लिए तथा सजावट के लिए किया जाता है। महिलाएं इसके फूलों को अपने बालों में लगाती हैं। इस पेड़ के ऊपर फूल जून से सितंबर महीने के बीच में खिलते हैं तथा अक्टूबर माह में इस पेड़ के ऊपर बीज लगते हैं। इसके फूलों का प्रयोग कमरों के अंदर सुगंधित रखने के लिए कटोरी के पानी में फूल डालकर रखा जाता है, जिससे कमरा सुगंधित बना रहता है। भारतीय संस्कृति में इस पेड़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसकी सुगंधों के वजह से इस पेड़ को अंग्रेजी में जॉय परफ्यूम ट्री कहते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में इसे एलो जेड ऑर्चिड ट्री तथा हिंदी में चंपक या सोन चंपा का पेड़ कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम मैग्नोलिया चंपका है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।